हेलो दोस्तों एंड वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हैं देसी में सीखो। दोस्तों जैसा कि आपको पता होगा, मैंने लास्ट वीडियो अपलोड किया था गूगल साइट को लेकर के, कि गूगल साइट में आप कैसे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं या फिर वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं और अपनी वेबसाइट या यूट्यूब चैनल को कैसे प्रमोट कर सकते हैं। तो उस वीडियो में दोस्तों मैंने बेसिक लेवल में बताया था कि आप कैसे गूगल साइट में वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एडवांस लेवल में बताऊंगा कि गूगल साइट में आप कैसे ब्लॉग क्रिएट कर सकते हैं, वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, कैसे आप मेन्यू सब मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं, कैसे लिंक को लगा सकते हैं, कैसे पेज को रिडायरेक्ट कर सकते हैं, ए टू जेड टोटल चीज़ें गूगल साइट से रिलेटेड है दोस्तों एडवांस लेवल पे, वो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने ऑलरेडी गूगल साइट से रिलेटेड एक वीडियो अपलोड कर दी अपने चैनल पे, पहले आप जाके उस वीडियो को वॉच कर लीजिए, उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में फिर कार्ड में मिल जाएगा, देन आप इस वीडियो को वॉच कीजिए। चलने से पहले दोस्तों बता दूं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हर वीडियो की जानकारी आपको लगातार मिलती रहे। सबसे पहले आपने गूगल पे चले आएंगे, देन यहाँ पे लिखेंगे आप गूगल साइट, देन एंटर, देन आपको इस लिंक पे क्लिक करना है दोस्तों, गूगल साइट वाले लिंक पे। अब यहाँ पे आप देख सकते हो दोस्तों, मैंने ये दो पेज क्रिएट किए हुए हैं अपनी गूगल साइट पे। मैंने लास्ट वीडियो में जिस पेज में आपको बताया, सेम उसी पेज में मैं आपको बताऊंगा एडवांस लेवल पर कैसे उसे चेंजेस करके और भी अच्छे तरीके से पब्लिश कर सकते हैं। तो सेम पेज को हम लोग ओपन करते हैं दोस्तों, देन इसी में हम लोग मॉडिफाई वगैरह कस्टमाइज वगैरह करेंगे, मेन्यू सब मेन्यू वगैरह क्रिएट करेंगे। तो कमाल आईडिया वाले पेज को जस्ट ओपन करते हैं हम लोग। तो मैं इस केस में दोस्तों यहाँ पे अपनी एक वेबसाइट को प्रमोट करने वाला हूँ, के होम डिज़ाइन। जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हो दोस्तों, इस वेबसाइट को मैं प्रमोट करने वाला हूँ गूगल साइट के द्वारा। तो सबसे पहला काम होगा दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे टाइटल चेंज करना, मुझे फाइल नाम यहाँ पे चेंज कर देते हैं हम लोग, के होम डिज़ाइन लिख दिया मैंने। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग लोगो चेंज कर लेते हैं। ये सारा कुछ मैंने बेसिक वाले में भी बताया दोस्तों, बिगिनर वाले में भी बताया, बट आप वेट करें, एडवांस लेवल पर हम लोग चल रहे हैं। सबसे पहले ये सब चीज़ों को हम लोग चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोग हेडिंग को भी चेंज कर देते हैं दोस्तों, यहाँ पे लिख देते हैं हम डाउनलोड फ्री। अब सेकंड चीज दोस्तों, हम लोग को यहाँ पे टेम्पलेट सेलेक्ट करना, किस टेम्पलेट पे आप वर्क करना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम लोग थीम पे चले आते हैं, देन यहाँ पे दोस्तों हम लोग सेलेक्ट कर लेते हैं इस थीम को, ओके। देन इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम लोग और टेक्स्ट पे चलाते हैं, एंटर करते हैं हम लोग और यहाँ पे हम लोग सब हेडिंग लिख लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया, कुछ भी आप अपना सब हेडिंग दे सकते हो दोस्तों। मैंने यहाँ पे लिख लिया 2D एंड 3D मॉडल डाउनलोड फ्री विद के होम डिजाइन। जब इसे सेलेक्ट करते हैं हम लोग यहाँ से, देन अलाइन करके इसे सेंटर कर लेते हैं। देन हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस सारे ब्लॉक्स को सबसे पहले डिलीट करते हैं, इस पर क्लिक करके इसे डिलीट करते हैं ताकि हम लोग फिर से ऐड करेंगे उसे चेंजेस वगैरह करेंगे। इसे डिलीट करते हैं सब कुछ हम लोग। जैसा कि देख रहे हैं, मैंने यहाँ सारा कुछ यहाँ से डिलीट कर दिया। ये अबाउट अस का पेज है दोस्तों, पेज को भी यहाँ से डिलीट कर देते हैं हम लोग। इस पेज पे आते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ से डिलीट, पेज भी मेरा डिलीट हो गया, यहाँ से होम भी डिलीट हो गया। होम के अलावा अगर कोई पेज आप ऐड करेंगे देन वो यहाँ पे विजिबल होंगे। अभी जैसा कि मेरे पास सिर्फ होम है तो वो यहाँ पे विजिबल नहीं हो रही है। इंसर्ट पे आते हैं। अब यहाँ से हम लोग मैटर को लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं, ठीक है, टेक्स्ट बॉक्स कर लेते हैं यहाँ से, देन यहाँ पे टेक्स्ट को टाइप करते हैं। क्या लिखना चाहते हैं आप? मैं यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, जैसे कि किसी पोस्ट को ओपन कर लेते हैं हम लोग, ताकि टेक्स्ट वगैरह हम लोग कॉपी कर सकते हैं, इसलिए ये पोस्ट मैं ओपन कर रहा हूँ। सो नीचे आते हैं हम लोग, देन यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हाउस का पहले डिस्क्रिप्शन देना, सो ये कॉपी कर लेते हैं हम लोग, ये डिस्क्रिप्शन में यहाँ लिखा मैंने, इसे पैक करते एक बार एंटर करके हमें यहाँ पर टेक्स्ट नहीं लिखना, क्योंकि ये H1 जो है वो अलग टेक्स्ट है, हमें जो टेक्स्ट लिखना है उसके लिए अलग टेक्स्ट लेंगे हम लोग, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करेंगे, देन अगेन आप इंसर्ट टेक्स्ट लेंगे, वो नीचे कॉलम में ऐड हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हाउस के बारे में कुछ डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे अभी सेम चीज़ दे रहा हूँ, आप चाहे तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका डिस्क्राइब करना हो यहाँ पे लिख सकते हैं, राइट क्लिक करके से पेस्ट कर देते हैं। मैं आपको जस्ट बता रहा हूँ कि मैटर को किस तरीके से लिखना है। देखिए, जब आप हाउस का डिस्क्रिप्शन दे देंगे, कुछ टेक्स्ट को लिख देंगे, तो आप कोशिश करेंगे जब भी आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे ना, तो टेक्स्ट में कहीं ना कहीं आप लिंक को यूज़ करें अपनी वेबसाइट की, मतलब हाइपरलिंक जरूर यूज़ करें आप, जैसे कि मैं यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन लिखा, डिस्क्रिप्शन में मेरी वेबसाइट यहाँ पे दिख रही है आपको। अगर वेबसाइट आप नहीं भी डाले हुए वहाँ पे, तो आप किसी भी टेक्स्ट को सेलेक्ट करके यहाँ से हाइपरलिंक पे क्लिक करके अपनी लिंक को डाल सकते हैं यहाँ पे, ताकि इस लिंक पे क्लिक करते ही लोग आपकी वेबसाइट पे पहुँच जाए। मैं यहाँ पे क्या होम डिजाइन में ऑलरेडी डाला हूँ, देखिए जैसे कि मैंने यहाँ पे यहाँ से कॉपी किया तो उस लिंक को ऑलरेडी वो ले चुका है। इस पर पेंसिल पे क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पे लिंक ऑलरेडी ले चुका है, वैसे अप्लाई करते हैं। अब सेकंड चीज़ दोस्तों, हम यहाँ पे क्या करते हैं, ब्लॉक्स को ऐड करते हैं, ताकि हम लोग यहाँ एक साइड में इमेज लगा सकते हैं, एक साइड में बटन को लगा सकते हैं, कुछ टेक्स्ट लिख सकते हैं, इस तरह से कुछ अरेंजमेंट वगैरह कर सकते हैं। तो ब्लॉक को ऐड करने के लिए आप यहाँ से नीचे चले आएंगे, देन यहाँ पे देखिए प्लेस होल्डर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, प्लेस होल्डर पे क्लिक करेंगे। प्लेस होल्डर पे क्लिक करने से पहले दोस्तों हम यहाँ पे डिवाइड कर लेते हैं, ताकि टेक्स्ट अलग हो जाएगा, प्लेस होल्डर मेरा अलग हो जाएगा। तो डिवाइडर पे क्लिक करते हैं हम लोग यहाँ से, देखिए एक लाइन वहाँ बन गया डिवाइडर टाइप का, ओके। अब यहाँ से करते हम लोग प्लेस होल्डर पे क्लिक करते हैं ना। अब हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, इस पर क्लिक करके हम यहाँ पे इमेजेस वगैरह ऐड कर सकते हैं या फिर यूट्यूब के वीडियोज वगैरह भी ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ से हम लोग सेलेक्ट इमेज पे क्लिक करते हैं। अब देखिए, आप अगर चाहे तो इमेज को अपलोड भी कर सकते हैं गूगल ड्राइव में, जो इमेज उस इमेज को भी यहाँ पर डाल सकते हैं, या फिर आप
लिंक के द्वारा भी यहाँ पे इमेज को डाल सकते हैं। यहाँ पे सारा ऑप्शन आपको दिख रहा है ना, बाय यूआरएल दिख रहा है, बाय गूगल सर्च इमेज दिख रहा है, बाय फोटो दिख रहा है, बाय गूगल ड्राइव दिख रहा है। अब जहाँ से भी चाहे वहाँ से इमेजेस को यहाँ पे डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज के यूआरएल को सबसे पहले ले लेता हूँ। जैसे कि मैं इस इमेज को डालना चाहता हूँ, राइट क्लिक करके हम लोग इसे कॉपी इमेज एड्रेस पे क्लिक करते हैं, देन इस पे चले जाते हैं, देन यहाँ पे लिंक को पेस्ट करते हैं, देन इंसर्ट इमेज पे क्लिक करते हैं। देखिए वो इमेज यहाँ पे विजिबल होने लगी। ये इमेज मैंने अपलोड नहीं किया, बस यूआरएल के थ्रू वो ले चुका है। देन अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ टेक्स्ट को लिखते हैं, यहाँ पे डाउनलोड बटन वगैरह देते हैं ताकि लोग क्लिक करके हमारी वेबसाइट पे पहुँच सके। तो उसके लिए क्या करना, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोग टेक्स्ट ऐड करते हैं। अब देखिए टेक्स्ट मेरा जैसे कि नीचे ऐड हो गया। तो अब इसे आप यहाँ पे कैसे लिखेंगे, तो क्या सिंपल तरीका है दोस्तों, इसे आप ड्रैग करके यहाँ से ऊपर ला सकते हैं, इस पर लाके यहाँ पे छोड़ देंगे। तो अब देखिए टेक्स्ट मेरा यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग कुछ लिख लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिख दिया दोस्तों क्या क्या होम डिजाइन मॉडल डाउनलोड फ्री। ओके, अब इस टेक्स्ट को हम यहाँ से बोल्ड कर लेते हैं, इसे हम लोग सब हेडिंग में लिख लेते हैं, देन इसे बोल्ड कर देते हैं। ओके, कुछ इस तरीके से। अब अगेन दोस्तों हम लोग यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिखेंगे कि इस जो फोटो दिख रहा हमारा, इस फोटो का फीचर्स क्या क्या है, ठीक है, वो लिख लेते हैं हम लोग। वो लिखने के लिए अगेन हम लोग इंसर्ट टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, इस टेक्स्ट के बॉक्स को जस्ट यहाँ पे देखे ड्रैग करके लाके यहाँ पे रख देंगे हम लोग। इसके लिए यहाँ पे अपने आप एक लाइन बन जाएगा दोस्तों, ये लाइन बनने के बाद यहाँ पे लाके इसे छोड़ देंगे आप। ये टेक्स्ट मेरा यहाँ पे ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे इस इमेज के बारे में जो भी है उसे डिस्क्राइब करेंगे, यहाँ पे इस प्लान के बारे में जो भी आप लिखना चाहें वहाँ पे लिख सकते हैं। जैसा कि मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ, इस कॉलम को लिख लेते हैं हम लोग। देखिए डाउनलोड करने के बाद आपको क्या क्या प्रोजेक्ट फाइल मिल सकती है, यहाँ पे कॉपी करके यहाँ पे कंट्रोल वी कर देंगे। फाइनली दोस्तों यहाँ पे आपको डाउनलोड बटन देना है कि डाउनलोड बटन पे क्लिक करते हैं लोग हमारी वेबसाइट पर पहुंच जाए, ठीक है। अब डाउनलोड बटन ऐड करने के लिए दोस्तों यहाँ पे आपको बटन ऐड करना पड़ेगा। उसके लिए आप नीचे चले आएंगे, यहाँ पे देखिए बटन दिख रहा है आपको, बटन पे क्लिक करेंगे, देन बटन का कुछ नाम दे देंगे जैसे कि मैं यहाँ पे नाम दे रहा हूँ। देन यहाँ पे आप लिंक डाल सकते हैं, बटन पे क्लिक करते लोग कहाँ पे रिडायरेक्ट होंगे, तो आप अपनी वेबसाइट पे चले आते हैं। मैं चाहता हूँ कि लोग रिडायरेक्ट हो जाए हमारी डाउनलोड फ्री वाले ऑप्शन में, क्योंकि हमारे वेबसाइट में कुछ पेड भी है कुछ फ्री भी है, तो मैं सिर्फ फ्री वाले को प्रमोट कर रहा हूँ। तो फिर डाउनलोड फ्री पे सिर्फ क्लिक करते हैं, देर इस यूआरएल को हम लोग यहाँ से कॉपी कर लेंगे। देखिए डाउनलोड फ्री वाले यूआरएल को कॉपी कर लेंगे, इस कैटेगरी वाले यूआरएल को कॉपी, देन यहाँ पे उस यूआरएल को कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे, देन इंसर्ट। ये बटन यहाँ पे ऐड हो चुका। अब ये बटन को हम लोग चाहते हैं कि ना इस टेक्स्ट के जस्ट नीचे दिखे, अगर इसे हम लोग ड्रैग करके यहाँ पे लाके छोड़ देंगे कुछ इस तरीके से, है ना। ये इमेज दिख रही है, इसे हम लोग नीचे से थोड़ा बड़ा कर देते हैं इमेज को कुछ इस तरीके से। बड़ा छोटा आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं है, कुछ इस तरीके से देखे, है ना, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ना। एक वेबसाइट की तरह डिजाइन कर सकते हैं दोस्तों, ए टू जेड। अब देखिए मैंने होम का इमेज डाल दिया, होम के बारे में कुछ लिख दिया, उसे डिस्क्राइब कर दिया, यहाँ पे डाउनलोड फ्री का बटन दे दिया। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने एक डिवाइडर दिया दोस्तों, यहाँ पे मैं एक डिवाइडर दूंगा ताकि दिखने में लुक थोड़ा अच्छा लगे। डिवाइडर पे क्लिक करते हैं, देखें दोनों तरफ से मैंने डिवाइडर को लॉक किया, यहाँ पे बीच में टेक्स्ट को लिख दिया। तो कुछ इस तरीके से आप सजा करके ऊपर से नीचे तक लिख सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे हम लोग पेजेस को ऐड करते हैं। जैसे कि आपको पता होम मेरा ऑलरेडी है, अब मैं नया पेज क्रिएट करने वाला हूँ, डाउनलोड फ्री का पेज या प्रीमियम प्रोडक्ट का पेज, अबाउट अस का पेज, ये सारे पेजेस को कैसे क्रिएट करके कैसे आप मेन्यू बार में ऐड कर सकते हैं, देन मेन्यू बार के अंदर सब मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। पेज पर चले आते हैं हम लोग, अभी मेरे पास सिर्फ होम पेज है, प्लस पे क्लिक करते हैं, यहाँ से न्यू पेज का नाम देते हैं हम लोग, डाउनलोड फ्री, डाउनलोड फ्री लिख दिया मैंने, जैसे जैसे डन पे क्लिक कर दें। अब जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे होम है, देन डाउनलोड फ्री का ऑप्शन आपको दिखने लगा। अब डाउनलोड फ्री वाले पेज में किसी तरह कोई भी कॉन्टेंट नहीं है। अब अगर चाहते होंगे कि आपके सेम पेज को डुप्लीकेट करना, वो भी कर सकते थे आप। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस पेज को यहाँ से डिलीट कर दिया, ओके, अब इस होम वाले पेज को ही आप डुप्लीकेट कर सकते हैं डाउनलोड फ्री वाले पेज में ऐड करने के लिए। सिंपली इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, देन इसे डुप्लीकेट पेज पे क्लिक करेंगे। अब पेज का नाम दे सकते हैं आप, मैंने अगेन डाउनलोड फ्री का नाम दे दिया, देन इसे डन पे क्लिक करेंगे। अब देखिए डाउनलोड फ्री का पेज भी बन गया, बट कॉन्टेंट मेरा सेम जो होम में था वो यहाँ पे भी आ गया, क्योंकि मैंने सेम होम पेज को डुप्लीकेट किया, देन उसे रीनेम कर दिया। तो आप इस तरीके से भी यूज कर सकते हैं पेज को डुप्लीकेट करके, ताकि आपको कॉन्टेंट जो है वो बार बार लिखना ना पड़े ना। दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे प्रीमियम प्रोडक्ट का एक मेन्यू बार बनाना चाहते हैं, तो अपने ब्लॉग पे चले आएंगे, देन यहाँ पे हमारे प्रीमियम प्रोडक्ट के ऑप्शन को ओपन कर लेंगे पहले। ये देखिए ये मेरा प्रीमियम प्रोडक्ट सारा, इसे अगर हम लोग ऐड करना चाहते हैं मेन्यू बार में, प्रीमियम प्रोडक्ट को यहाँ से कॉपी करते हैं हम लोग, देन मेन्यू बार में चले आते हैं। इस बार दोस्तों हम लोग न्यू पेज क्रिएट करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं हम लोग, यहाँ से प्रीमियम प्रोडक्ट लिख दिया हमने, डन। यहाँ पे देखिए प्रीमियम प्रोडक्ट भी ऐड हो चुका है, जैसा कि आप देख रहे होंगे। यहाँ पे मैंने कुछ भी मैटर नहीं लिखा हुआ, ये ब्लैंक दिख रहा है, पर आप चाहे तो अच्छे तरीके से मैटर को लिख सकते हैं। मैटर लिखने के लिए सेम चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट वगैरह सारा कुछ जो दिख रहा है आपको सेम चीज़ यहाँ पे यूज कर सकते हैं आप। अब मैं दोस्तों आपको सब मेन्यू क्रिएट करके दिखाता हूँ।
जैसा कि आप यहाँ पर डाउनलोड फ्री देख रहे होंगे, इस पर जब भी कोई कर्सर रखे या फिर क्लिक करे तो यहाँ पे और मेन्यू खुलना चाहिए। डाउनलोड फ्री के अंदर वन स्टोरी हाउस प्लान, टू स्टोरी हाउस प्लान, इस तरह का सब मेन्यू खुलना चाहिए। तो वो कैसे खुलेगा, इसके लिए दोस्तों आप जैसे कि आप मेन्यू बार में सबसे पहले आपको आइटम ऐड करना होगा कि मेन मेन्यू में आपको क्या होना चाहिए, देन उसके अंदर क्या मेन्यू ऐड करना है वो चलिए देखते हैं। जैसा कि मैं चाहता हूँ दोस्तों डाउनलोड फ्री के अंदर वन स्टोरी हाउस प्लान आना चाहिए, वो कैसे आएगा, यहाँ पे डाउनलोड फ्री का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस थ्री डॉट पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे ऐड सब पेज पे क्लिक करेंगे, देन यहाँ पे पेज का नाम देंगे आप। मैंने यहाँ पे नाम दिया दोस्तों वन स्टोरी हाउस, सिंपली डन पे क्लिक करते हैं। अब देखें यहाँ पे मेन मेन्यू में ऐड नहीं हुआ, जब आप डाउनलोड फ्री पे कर्सर ले जाएंगे तो यहाँ पे देखें मेन्यू बार दिखने लगी आपको वन स्टोरी हाउस। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पे आप सब मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं और भी यहाँ पे काफी सारे ऑप्शन मिल जाएंगे दोस्तों आपको। मेक होम पेज, इस पेज को डायरेक्टली आप होम पेज बना सकते हैं, डुप्लीकेट कर सकते हैं, इसके प्रॉपर्टीज देख सकते हैं, एंड देन हाइड कर सकते हैं इसे यहाँ से, नेविगेशन बार से ये पेज आपका रहेगा बट इसे आप यहाँ से हाइड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा, ये पेज है आपका बट ये कुछ टाइम के लिए हाइड कर सकते हैं आप इसे, है ना। तो ये सारी चीज़ें यहाँ से आप कर सकते हैं, इस पेज को डायरेक्टली आप यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों हम लोग अबाउट अस के पेज को बनाते हैं, ठीक है। अबाउट अस का पेज बनाना काफी सिंपल दोस्तों, सिंपली प्लस पे क्लिक करेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे आप अबाउट अस, सिंपली डन पे क्लिक करेंगे, देन आप यहाँ पे मैटर लिख लेंगे अपने बारे में, सिंपली इंसर्ट पे चलाएंगे, देन यहाँ पे टेक्स्ट का यूज करेंगे, यहाँ से टेक्स्ट वगैरह लिख लेंगे अपने बारे में जो भी लिखना है आपको। अब मेन बात यहाँ पे आता है दोस्तों कि आप कॉन्टेक्ट अस के पेज को कैसे क्रिएट करेंगे, उस पर फॉर्म होना चाहिए, नाम एड्रेस वगैरह सारा फिल करके बंदे सबमिट करेंगे तो आपके पास नोटिफाई आना चाहिए, वो कैसे करेंगे आप। देखिए यहाँ से अगर हम लोग पेज पे चले आते हैं, देन प्लस पे क्लिक करते हैं, अगर हम लोग कॉन्टेक्ट अस का पेज को क्रिएट करते हैं, जस्ट मैंने यहाँ पे कॉन्टेक्ट अस लिखा दोस्तों, डन करते हैं, ये कॉन्टेक्ट अस का पेज मेरा यहाँ पे क्रिएट हो चुका। अब यहाँ पे आपको फॉर्म ऐड करना, तो अब यहाँ पे दोस्तों हम लोग को कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म को ऐड करना होगा। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले आपको कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म को क्रिएट कर लेना होगा। अगर आपको नहीं पता कि कॉन्टेक्ट अस का फॉर्म को कैसे क्रिएट करते हैं तो हमारे YouTube चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं दोस्तों, मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा कि आप कॉन्टेक्ट अस का पेज को कैसे क्रिएट कर सकते हैं गूगल में, ठीक है। क्रिएट करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पे इंसर्ट पे चलाएंगे आप, सबसे नीचे चलाएंगे, यहाँ पे देखिए फॉर्म का ऑप्शन दिखेगा आपको, सेम ईमेल आईडी में आपको क्रिएट करना है दोस्तों, जिस ईमेल आईडी में आप गूगल साइट पे वर्क कर रहे हैं। फॉर्म पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखें जितने सारे फॉर्म आप क्रिएट किए होंगे यहाँ पे ओपन हो जाएगा वो। तो जैसा कि देख रहे हैं यहाँ पे फॉर्म ओपन हो चुका है, यहाँ से आप सेलेक्ट कर लेंगे आप जिस फॉर्म को आपको सेलेक्ट करना हो, इसे सेलेक्ट कर लेते हैं हम लोग, देन इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो जैसा कि देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पे मेरा फॉर्म जो है वो ऐड हो चुका है कॉन्टेक्ट अस वाले पेज में, है ना। काफी इजी है, आप लोग यहाँ पे नेम, ईमेल आईडी वगैरह डाल करके आपसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, है ना। अब इस पेज को और भी आप लुक देना चाहते हो और भी सजाना चाहते हो वो भी कर सकते हैं आप। अगेन आपको प्लेस होल्डर पे जाना है, इस ये ब्लॉक आ गया, एक ब्लॉक को ड्रैग करके आपको इसके बगल में रख लेना है कुछ इस तरीके से ताकि देखने में सोवर लगे। प्लस पे क्लिक करते हैं, देन सेलेक्ट पे क्लिक करते हैं। अब यहाँ से हम लोग कुछ इमेजेस को सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ इस इमेज को सेलेक्ट कर लेता हूँ ताकि लोग अट्रैक्ट होता है ना इमेज वगैरह लगाने से, तो मैं इस इमेज को जैसे यहाँ पे सेलेक्ट कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे इस इमेज को सेलेक्ट करता हूँ, कॉपी इमेज एड्रेस पे चले जाते हैं, यहाँ पे कंट्रोल वी, इंसर्ट इमेज पे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप साइड बार यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पे और भी कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, यहाँ पे अगेन इंसर्ट टेक्स्ट पे आएंगे, इंसर्ट टेक्स्ट बॉक्स पे आएंगे, इस टेक्स्ट बॉक्स को जस्ट ड्रैग करके, इस टेक्स्ट बॉक्स को ड्रैग करके इसके नीचे लिख लेंगे। यहाँ पे कुछ आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं आप, अगेन यहाँ पे फोटोज वगैरह, इमेज वगैरह जो भी आप चाहे, गूगल ड्राइव से भी कुछ फाइल आपको लाना हो सिंपली गूगल ड्राइव पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी किसी फाइल को आप इंपोर्ट करा सकते हैं। देखिए सारा फोल्डर जो दोस्तों आपका यहाँ पे टोटली ओपन हो जाएगा, आप कुछ भी यहाँ से गूगल ड्राइव से अपने ईमेल आईडी में जो भी आप यहाँ पे रखें सारा कुछ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं आप। देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे एक मिस्टेक कर दिया दोस्तों, डाउनलोड फ्री के अंदर मेरा ये अबाउट अस एंड कॉन्टेक्ट अस का पेज बन चुका जो कि बाय डिफॉल्ट मैंने जस्ट क्रिएट किया, तो इसी के अंदर वो लेता गया क्योंकि ये मेन मेन्यू मेरा सेलेक्ट था। तो इस केस में आप क्या करेंगे दोस्तों, इसे ड्रैग करके सिंपली बाहर कर लेंगे तो वो ये मेन मेन्यू में ऐड हो जाएगा। जैसा कि मैं अबाउट अस को ड्रैग करके नीचे करता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिखने लगा, अगेन कॉन्टेक्ट अस को ड्रैग करके हम नीचे करते हैं वो यहाँ पे विजिबल हो गया, ठीक है। तो आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके दोस्तों मेन्यू सब मेन्यू क्रिएट कर सकते हैं। तो ये फाइनली आपका दोस्तों ये ब्लॉग जो है कुछ इस तरीके से बन जाएगा। मैंने बेसिक तो ऑलरेडी आपको बता दिया था, ये मैंने एडवांस आपको बताया कि मेन्यू सब मेन्यू कैसे क्रिएट कर सकते हैं, कैसे प्रॉपर वे में आप टेक्स्ट को सजा करके कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं। ये सारा सेटिंग यहाँ पे हो जाने के बाद दोस्तों सिंपली आपको यहाँ पे इसे पब्लिश कर देना है। पब्लिश करने से पहले दोस्तों आप प्रीव्यू करके देख सकते हैं, प्रीव्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग, आपका डेस्कटॉप पे कुछ इस तरीके से दिखेगा दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, है ना, काफी नीट एंड क्लीन है। आप किसी भी बटन पे क्लिक करके देख सकते हो दोस्तों ये वर्क कर रही है, जैसा कि देख रहे होंगे आप, टैब में आपका कुछ इस तरीके से दिखेगा, देन मोबाइल में कुछ इस तरीके से। ये मोबाइल फ्रेंडली होता है दोस्तों, इसलिए किसी तरह को कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मेन्यू बार पे क्लिक करते देखे कुछ इस तरीके से दिख रही है आपकी मेन्यू बार, लेकिन हम लोग डेस्कटॉप पे क्लिक करते हैं, इनसे क्लोज करते हैं।
नाउ इसे हम लोग पब्लिश करते हैं। सिंपली पब्लिश पे क्लिक करेंगे हम लोग, देन यहाँ पे आपको सब कुछ सेम रखना होगा, किसी तरह कोई भी चेंजेस नहीं करना है। अब अगर चाहते हैं कि ये पेज जो है आपका गूगल सर्च इंजन में इंडेक्स हो तो इसे अनचेक कर देंगे। अब अगर चाहते हैं कि नहीं ये गूगल सर्च इंजन में डिस्प्ले नहीं होना चाहिए तो इसे चेक कर देंगे, देन पब्लिश पे क्लिक करेंगे। ये साइट जो है मेरा दोस्तों वो पब्लिश हो चुका है, व्यू पे क्लिक करते हैं हम लोग। जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल साइट का जो मेरा पेज है वो लाइव हो चुका है ना, कितनी नीट एंड क्लीन। दोस्तों स्क्रॉल करके नीचे आते हैं मेन्यू बार यहाँ पे विजुअल होती रहती है, जैसे कि आप देख रहे होंगे ना, काफ़ी नीट एंड क्लीन है, जैसा कि आप खुद भी देख रहे होंगे। तो आई होप दोस्तों ये आपको एडवांस तरीका पसंद आया होगा गूगल साइट का। वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों जरूर वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।